Fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रेजेंट हूँ हीरो शोरूम गिरिडीह में, जो प्रेजेंट है होटी बाज़ार में, और आज यहाँ शूट कर रहे हैं प्लेजर प्लस प्लैटिनम एडिशन पे, जिसका लुक काफ़ी अच्छा कर दिया गया, कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश और क्रोम के प्लेटिंग के साथ है। तो फ्रंट से आप लोग देखो, जो इसका फ्रंट हेड है उसमें आपको हेडलैम्प वगैरह दिया है, हेलोजन में प्रेजेंट है, और काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग लुक के साथ आपको रियर व्यू मिरर भी मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हो जो क्रोम के प्लेटिंग के साथ में और कंप्लीट मैट ब्लैक पोर्शन में बॉडी है, बॉडी का जो कलर है, और यहाँ पे भी आपको क्रोम के फिनिश मिल रहे हैं। हीरो का एक लोगो, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स आपको बॉडी पे मिलेंगे जो आपके बल्ब में प्रेजेंट है। नीचे आते हैं तो नीचे कंप्लीट मैट ब्लैक में आपको फ्रंट का मडगार्ड है और एक क्रोम का एक प्लेटिंग का डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग इसमें प्रेजेंट है और आगे में आपको ड्रम ब्रेकिंग दिया गया है। राइट लेफ्ट में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जा रहे हैं। नीचे ब्रेक देख सकते हो आप लोग, C8 का टायर है। टायर डायमेंशन की बात करते हैं तो जो टायर डायमेंशन है वो 90x100 का है, 10 इंच का फ्रंट का व्हील है। और रिफ्लेक्टर इधर भी आप लोग देख लो, जो फोक्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखेंगे, और जो ये फिनिश आ रही है ना, काफ़ी ख़तरनाक फिनिश आ रही है इस वाली प्लेजर की। पावर्ड FI, मतलब प्रोग्राम्ड FI भी इसमें आपको प्रेजेंट है, तो उसका एक स्टैम्प आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आते हैं ऊपर, तो हैंडल्स वगैरह आप लोग देख लो, और जो इंटीरियर कलर भी इसका हैंडल के जो अंदर का कलर होता है वो भी काफ़ी अच्छा चॉकलेटी कलर टाइप में, ब्राउन टाइप में आपको दिया हुआ है। हम मीटर अब स्टार्ट करते हैं तो एनालॉग में कंप्लीट इसका कंसोल प्रेजेंट किया गया है। स्पीडोमीटर भी एनालॉग में, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, हाई बीन का लाइट, लो फ्यूल का इंडिकेटर, राइट लेफ्ट इंडिकेटर और स्टैंड का भी इंडिकेटर है। तो साइड स्टैंड अगर नीचे करते हो आप लोग तो देखो यहाँ पे इंडिकेट करेगा आप लोगों को, ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। और रिबन वगैरह लगी हुई है, एक और शोरूम पे हाल ही फिलहाल में आया है। और हाई बीन, लो बीन, राइट लेफ्ट इंडिकेटर का ऑप्शन इस साइड, और हॉर्न का, एंड इस साइड आपको इग्निशन का मिल रहा है। नीचे आते हैं तो नीचे में आपको चार्जिंग केबल के लिए एक USB पोर्ट भी दिया गया है, चार्ज भी कर सकते हो आप लोग अपनी फ़ोन को। और जो काफ़ी सही जगह पे प्लेस है, यहाँ पे आपको नीचे में आपको USB लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपनी डाटा केबल लगाओ नीचे में, तो जो USB सेटअप होता है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। डाटा केबल लगाओ और फ़ोन यहाँ रखो या यहाँ रखो, आराम से फिर आप लोग अपने स्कूटर चलाओ। और अच्छी खासी स्पेस भी है, जो ग्लव बॉक्स है उस पर आराम से आप लोग अपना फ़ोन रख सकते हो। और इनका जो डेप्थ है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, अगर मैं अपनी फ़ोन रखता हूँ तो सेफली मेरा फ़ोन अंदर चला जाएगा और मैं एक या तीन चार फ़ोन आराम से जा सकता है। और इस साइड आते हैं यहाँ पे तो नीचे में आपको कैरी बैग का ऑप्शन दिया है, कैरी बैग आप लोग हैंग कर सकते हो यहाँ पे। और जो मैं USB की बात कर रहा था वो आपको नीचे में अवेलेबल है, तो नीचे से आपको दिखेगा। सीट वगैरह भी काफ़ी सही डिज़ाइन के साथ है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर का जो पोर्शन में दिया गया है सीट को, और रेयर सीट रेस्ट भी आपको अवेलेबल किया हुआ है। तो रेयर में मतलब जो पिलियन बैठेगा वो पूरी कंफर्टेबली बैठेगा, आपको जो ये रेस्ट गार्ड लगा हुआ है रेयर में, जो आपको पूरी अच्छी खासी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। और रेस्ट के नीचे यहाँ आते हैं रेयर बॉडी पे, तो कंप्लीट मैट पोर्शन पे रेयर का भी बॉडी है, मैट ब्लैक और क्रोम के प्लेटिंग्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, प्लेजर प्लस का और प्लैटिनम का। यहाँ पे आपको मोनोग्राम भी दिख जाएगा, जो काफ़ी सही जगह प्लेस है और काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इस मैट ब्लैक के बैकग्राउंड पे। जो फुटपेक्स वगैरह है वो बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, उनका ऐसा मैकेनिज़म दिया गया है। और रेयर टायर की बात करते हैं, 90x100 का रेयर टायर है, 10 इंच का व्हील है, और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स इसमें मिल रहे हैं। सीट खोलने का ऑप्शन पीछे से आपको दिया गया है, तो वो भी ओपन करके आप लोग को दिखा देंगे। और एग्जॉस्ट के ऊपर का भी एक कवर लगता है, वो इसके डिक्की में प्रेजेंट है, वो भी आपको हम दिखा देंगे। हालांकि एग्जॉस्ट आपको कवर करके ही मिलेगा, जो क्रोम के प्लेटिंग के साथ है। तो चलिए अब इसका डिक्की को ओपन करते हैं पीछे से। तो इसकी डिक्की ओपन हो गई,
और अच्छा खासा स्पेस भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल रहा है जो आप लोग को अच्छी खासी हेल्प करेगा अंधेरों में अगर आप लोग खोलते हो तो। अगर कहीं पे स्ट्रीट लैंप वगैरह नहीं है तो ये वाइट लाइट पे फर्स्ट एड किट वगैरह और टूल किट वगैरह मिल रहा है, मैनुअल बुक है, और ये रहा आपका साइलेंसर का कवर जो क्रोम के साथ के है, मतलब क्रोम प्लेटिंग्स पे है। और फ्यूल का देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फ्यूल बाहर नहीं है, आपको फ्यूल सीट खोल के ही, मतलब सीट के अंदर में फ्यूल टैंक का कैप प्रेजेंट किया गया है। तो उसके लिए आप लोग को इसका सीट बार बार ओपन करना पड़ेगा, जिनका डायमेंशन जो फ्यूल कैपेसिटी इस पे डलेगा वो है 4.8 लीटर्स का। अब इंजन की बात करते हैं तो इंजन 110 सीसी पे प्रेजेंट है, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक में। पावर की बात करते हैं तो 8.1 पीएस का पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस पे अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को। और ये स्कूटर जो प्लेजर का अपडेटेड वर्जन आया है जो कंप्लीट मैट ब्लैक पे है, वो काफ़ी ख़तरनाक लुक दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ से देखते हो तो काफ़ी अच्छी खासी स्टैंडर्ड लुक, काफ़ी बोलो तो जो मैट कलर का जो फिनिश है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है, और आई कैच भी अच्छा खासा करने वाला है ये वाला स्कूटर। तो अब बात आती है इसकी प्राइसिंग वगैरह की, तो सबसे पहले शोरूम का एड्रेस जो आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, और नंबर वगैरह भी मिल जाएगा, और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करके कोई बुकिंग्स वगैरह कराना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, आराम से बुकिंग करा लो या फिर शोरूम ही आ जाओ। और शोरूम का एड्रेस जो है इस हीरो शोरूम का, वो आपको जस्ट बगल में ही जो टाउन थाना गिरिडीह है और हुट्टी बाज़ार में जो प्रेजेंट है वहाँ पे है, और बाकी सब नंबर्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इसका प्राइस जो एक शोरूम हमें पड़ेगा, जो आप लोगों को पड़ेगा यहाँ शोरूम पे, वो है 66,140 रुपीज़ ओनली। तो उतने में आप लोग को सिर्फ एक शोरूम मैंने बताया, कॉज ऑन रोड वगैरह का थोड़ा ऊँच नीच रहता है हर जगह पे, अप डाउन होते रहते हैं ऑन रोड, सारे स्टेट टू स्टेट इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन वैरी करता है, तो उसके लिए आप लोगों को कॉल करना होगा, कॉल करके आप लोग पता कर लेना। अब चलिए करते हैं वीडियो एंड, होप सो आपको ये वाली प्लेजर प्लस प्लैटिनम एडिशन पसंद आया होगा। मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ प्लेजर आप लोग लेना चाहते हो तो यही वाली कलर लेना, इसका जो रेयर सीट का रेस्ट दिया हुआ है वो भी काफ़ी सही है, और जो कलर स्कीम आई है वो भी काफ़ी अच्छी है। चलिए वीडियो करते हैं एंड, होप सो आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर है तो शेयर करो यार, फैमिली को बढ़ाओ, हम लोग बहुत करीब है 50K के सब फैमिली के। और अगर नए सब्सक्राइबर्स हो तो मेरा कंटेंट जाके चेक करो, वीडियोज़ वाले लिस्ट में वीडियोज़ वगैरह चेक करो, पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो अगर ऐसे भी आप लोगों को पसंद आता तो ये वाला वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।